भोपाल में यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस की अगुवाई में सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। महंगाई, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले समेत अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान पुलिस भी सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैद दिखी। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वालों की झड़प भी हुई। उधर कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया है, साथ ही टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। राजधानी भोपाल में महंगाई, बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में कांग्रेसी सीएम आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। उधर पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर किलेबंदी कर रोक लिया। इस दौरान बीवी श्रीनिवास, मितेंद्र सिंह यादव समेत यूथ कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर नहीं कर पाया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। डरेंगे नहीं है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम जो रिपोर्ट। बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें बलपूर्वक रोका गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में जुटे कार्यकर्ताओं पर पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बैरिकेड पर चढ़े जीतू पटवारी पानी के प्रेशर से नीचे गिर गए। वाटर कैनन के बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले के कारण कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई थीं। इनको लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बैतूल में धर्मांतरण का खेल उजागर हुआ है। चिचंडा गांव में धर्मांतरण सभा चल रही थी और जब इसका एक युवक ने विरोध किया तो विवाद खड़ा हो गया। पुलिस को खबर मिली तो वो मौके पर पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धर्मांतरण के इस मामले में बैतूल के 4 और मुंबई से आए 2 प्रचारकों सहित कुल 6 लोगों पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है और अगर ऐसे समय में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस सरकार में न धर्म सुरक्षित है न धर्म की बेटियां। मध्य प्रदेश में कानून है और कानून को तोड़कर इस तरह की कृत्य करने का किसी को आजादी नहीं है और मुझे लगता है कि जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, लोभ लालच देके लोगों का धर्म बदल रहे हैं, उन पर कानूनी और सख्ती की सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और सरकार कर रही है। टीकमगढ़ में नाबालिग गैंगरेप के मामले में पुलिस ने देर से ही सही केस दर्ज कर लिया है। उधर इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। टीकमगढ़ में 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आरोपी सलीम खान और लालू खान पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जब शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस चौकी पहुंची तो पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई। पीड़ित का पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजनों के साथ बदसलूकी की गई और बाद में परिजन एसपी दफ्तर पहुंचे, तब जाकर मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है और सारे जो जैसा कि परिजनों ने बताया है उसमें सारे फुटेज भी देखे जा रहे हैं। यदि किसी की संलिप्तता है, किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मामले में कांग्रेस को बैठे बैठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया, लेकिन वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस आरोपियों को लेकर मौन क्यों है। साथ ही सिलेक्टिव मुद्दों को हवा देने के आरोप भी उन्होंने लगा दिए।
कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं कांग्रेस ने वीडी शर्मा पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति न करने की बात कही। कांग्रेस ने अपराधियों को हिंदू मुसलमान में बांटने के बीजेपी पर आरोप भी लगाए। तुष्टीकरण की राजनीति आज दिन तक कभी भी कांग्रेस ने नहीं करी। तुष्टीकरण की राजनीति अगर किसी ने करी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने करी। भारतीय जनता पार्टी ने अपराध को और अपराधियों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया। हमारा तो स्पष्ट कहना है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का भी स्पष्ट कहना है, चाहे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपराध करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मासूम के साथ गैंगरेप की घटना लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है और मामले में जिस तरह से पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई वो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए बजाय पॉलिटिक्स के एक्शन होना चाहिए और एक्शन भी ऐसा कि अपराधी सबक ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इंदौर में मिलावटखोरों पर नकेल कसी गई। नामी रेस्टोरेंट सहित शहर के बार, होटल, डेयरी, यहां तक कि अनाज और मसालों की फैक्ट्री समेत 20 संस्थानों से लिए गए सैंपल फेल होने के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने 21 लाख का जुर्माना लगाया है। जारी आदेश के मुताबिक 30 दिन में अगर ये राशि जमा नहीं की तो लाइसेंस निरस्त होगा। इसमें स्कीम नंबर 140 के एक बार एंड रेस्टोरेंट सहित 20 प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इनके सैंपल फेल होने की रिपोर्ट आने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जुर्माने के आदेश दिए गए। वे सभी प्रकरण जिसमें के अवमानना किया, मिथ्याचार किया और किसी कैटेगरी में सैंपल फेल हुआ था, उन सभी में हमारे यहाँ से नोटिस जारी हुए और विधिवत सुनवाई करने के बाद में आज तकरीबन 20 केसेस में आदेश जारी हुए हैं जिसमें 21,80,000 की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। ये सभी केसेस अधिकतर अवमानक श्रेणी के हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर मूंग दाल के प्रोडक्ट्स हैं या फिर पनीर के सैंपल हैं या कोई बेकरी के आइटम हैं, इस प्रकार के आइटम्स हैं। अब खबर श्योपुर से है जहां पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल बेचने के आरोप लगे हैं। पेट्रोल पंप पर मिल रहा पानी मलबा मिला तेल। किसानों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया, अधिकारियों को फोन कर मामले की शिकायत की। 3 घंटे बाद भी जांच करने नहीं पहुंची कोई टीम। मिलावट की वजह से झटका लेकर वाहन बंद हो रहे थे। मिलावटी डीजल का वीडियो बनाकर वायरल किया किसानों ने। अगली खबर हरदा से है जहां शिकंजे में है नशे के सौदागर। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्त में लिए गए। 5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। 2 तस्कर गिरफ्त में लिए गए। मिली थी कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में ड्रग बेचने हरदा आ रहे हैं। उस सूचना पे थाना कोतवाली की टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और 2 लोग को मोटरसाइकिल सहित उनके पास से 5 ग्राम एमडी मिलने पर उनसे एमडी और मोटरसाइकिल जब्त की गई है और दोनों लड़के, जो एक का नाम अरुण विश्नोई है और एक का हरि राजपूत है, इन दोनों को प्रकरण में गिरफ्तार भी किया गया है। इनके विरुद्ध में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। जबलपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 5 लाख रुपए के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से महिला को गिरफ्तार किया। परसवाड़ा धनवंतरी नगर की रहने वाली ये महिला रुपए के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और वो गरीब रथ से मुंबई जाने की फिराक में थी। फिलहाल जीआरपी पुलिस चोरी या हवाला की रकम की आशंका में महिला से पूछताछ कर रही है। महिला संदिग्ध हालत में प्लेटफॉर्म 2 पर दिखी थी, जिसे पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं दे रही थी। उसका बैग में रखा सामान कुछ मतलब अलग लग रहा था, समझ में आ रहा था, जिसे पूछताछ पर उसने मुंबई जाना बताई और उसको थाना ले आया गया था। चेक करने पर उसके बैग से 5 लाख रुपए मिले, जो चोरी का या किसी अपराध से संबंधित होने का संदेह होने पर उसे जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई जांच अभी की जाना है। अब बात कर
करते हैं प्रदेश में बढ़ रहे सुसाइड के मामलों की और छेड़खानी के मामलों की। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इंदौर, ग्वालियर और टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं। इंदौर के रहने वाली एक महिला ने पुणे में छत से छलांग लगा दी। उधर ग्वालियर में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। उधर टीकमगढ़ में तो पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित परिवार वालों के साथ ही अभद्रता कर दी। इंदौर की महिला ने पुणे में सुसाइड किया है। वही छिंदवाड़ा में एक महिला अपने चार बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। महिला के कुएं में कूदने की खबर मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामला छिंदवाड़ा के तमानिया का है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद महिला ने अपने चार बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। गनीमत यह रही कि महिला के कुएं में कूदते ही गांव के कुछ लोगों ने भी तुरंत ही कुएं में छलांग लगाई और महिला और उसके चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगली खबर सीहोर से है, जहां बकरी चोरी के दो आरोपियों की पिटाई हो गई। आष्टा के भवरा गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के दो आरोपियों को पकड़कर खंबे से बांध दिया और पूछताछ के साथ ही पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने डायल 100 को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ की। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। नीमच में महाराष्ट्र से सिंगोली आ रहे चीनी से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ही व्यापारी को जानकारी दी। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खबर अनूपपुर से है, जहां चलती बस में स्टंट करने का मामला सामने आया है। बस में नाबालिग के स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। स्टंट का वीडियो सामतपुर तिराहे का बताया जा रहा है। ग्वालियर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। मामला पुरानी छावनी इलाके का है, जहां खेत में तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को उसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। खेत में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। सर्कुलेट हुआ था और उस वीडियो में क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि वो तेंदुआ है या फिर वो जंगल कैट है। एक ट्रांजिएंट मूवमेंट था उस एरिया से, आसपास कोई आबादी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद हमने सर्चिंग इत्यादि भी करवाई उस क्षेत्र में, स्टाफ को भेज के। परसों शाम को भी कराई थी रात में, कल मॉर्निंग आवर्स में भी और इवनिंग आवर्स में भी सर्चिंग। बुरहानपुर में लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन आज 350 रुपए किलो बिक रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों की रसोई से लहसुन दूर होता जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार लहसुन की फसल खराब होने और उत्पादन में कमी की वजह से कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यापारियों की जमाखोरी की वजह से लहसुन के दाम बढ़ रहे हैं। और अब बात ग्वालियर की, जहां भक्त और भगवान अचलेश्वर महादेव के बीच अनोखे प्रेम का मामला सामने आया। यहां बुजुर्ग महिला ने अचलेश्वर महादेव को अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया था। बता दें कि ग्वालियर की माधुरी सक्सेना नाम की बुजुर्ग महिला ने महादेव अचलेश्वर को अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया था। 19 मार्च को बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद बीमा की 7,42,000 की राशि अचलेश्वर महादेव को मिली। बीमा कंपनी ने अचलेश्वर महादेव न्यास को नॉमिनी का चेक सौंपा। अब बात अनूपपुर की, जहां घायलों की मदद करने वाले ऑटो ड्राइवर को सम्मानित किया गया। एसपी ने ऑटो ड्राइवर कैलाश पासी को सम्मानित किया है। बता दें कि ऑटो ड्राइवर कमलेश पासी का घायलों की मदद करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। तो ऑटो ड्राइवर पासी को सम्मानित करते हुए आप देख सकते हैं।